For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. जी हाँ, खबरों की माने तो एक बार फिर से एकता कपूर ने सोच लिया है कहानी में लीक लाने का, और इस बार कहानी दो चार साल बाद की नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा आगे की दिखाई जाने वाली है, जहाँ कहानी आपको एक अलग ही अंदाज में दिखेगी। और क्या कुछ है नया, आइए हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले जरा ये जान लीजिए कि कैसा रहा बीता एपिसोड। रमन के पास आता है शगुन का फोन और वो एनजीओ बुलाती है बच्चों से मिलने। जहाँ आता है घर में, उससे पहले अशोक इशिता से मिलने, और इशिता रमन को जाने के लिए बोल देती है क्योंकि वो लेट हो रहा होता है। वहीं वो जाती है अशोक के साथ, जहाँ पर अशोक उसको पहले पेपर्स देता है जाने से, और ताकि वो अपने पेपर्स को, अपनी प्रॉपर्टीज को एनजीओ में इस्तेमाल कर सके उसकी मौत के बाद। इतने में जहाँ अशोक बैठाता है गाड़ी में इशिता को, उसके पास आता है फोन और वो जैसे ही फोन पर बात करने लगता है कि इतने में पीछे से गुंडा फरार कर देता है अशोक की गाड़ी, और अशोक उसका पीछा करता है, साथ ही रमन को भी बताता है। वहीं जा वो गुंडा कर लेता है इशिता को किडनैप। अब ये तो हम आपको पहले ही बता चुके थे कि कहानी मुड़ने वाली है लंदन की ओर, जहां उसका रुख करने के लिए कहानी में एकता कपूर जरूर ला सकती हैं इस बार एक और लीप, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है। लेकिन फिर भी देखना यह है कि ये सब कैसे होता है कहानी में। ऐसी और भी तमाम स्टोरीज के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से रवि की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।